एकदम चुप रहोगी अब तुम? अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो पारो कह रही है शायद वही सच है। तुम्हारी बात मानकर शायद हमने ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद जो कुछ भी हुआ उसमें लक्ष्मी की गलती है ही नहीं। चुप, कहां रहा तुमसे? लक्ष्मी को नापसंद करते हैं, लक्ष्मी को। लेकिन पारो कभी भी कुछ कहेगी तो हम उसकी बात सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। वो हमारी पोती है, ऋषि की बेटी है, वो हमारा अपना खून है। वो कभी गलत नहीं करती, ना ही करेगी। वो कभी कुछ गलत नहीं बोल सकती, कभी झूठ नहीं बोल सकती। समझ में आ रहा है तुम्हें? Do you understand? जी मां। बेटा, देखा ये मॉम है, वो मुझे कितना कुछ नहीं सुना के चली गई, कितना कुछ कह रही है। किसके लिए बोला? लक्ष्मी के लिए। उस लक्ष्मी के लिए मुझे इतना कुछ सुना के चली गई, अभी उसकी साइड लेंगी, लक्ष्मी की साइड लेंगी। उसका गलत समझ रही हो तुम। मैं भी लक्ष्मी की साइड नहीं ले रही है, पारो की साइड ले रही है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत बहुत गलत किया है मॉम ने, बहुत ज्यादा गलत किया उन्होंने। वो गलत कर रही है, वो सही नहीं कर रही। मलिष्का, गलत तो तुम कर रही थी। दी तुम्हें रोकती रही लेकिन तुमने उनकी बात सुनी नहीं। अगर उस वक्त तुमने दी की बात सुन ली होती, उनकी बात मान ली होती, तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता और वो ऐसे गुस्सा नहीं होती। Exactly, मलिष्का। And you have to be more careful, okay? होश में रहो। देखो तो किससे बात कर रही हो। नीलम भाभी से बात कर रही हो तो सोच समझ कर बात करनी चाहिए ना। स्पेशली जब बात पारो की हो तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रही हूँ बुआ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और क्या, क्या मतलब पारो कुछ भी बोलेगी वो सब कुछ मान लिया जाएगा, वो सब कुछ सही बोलती है। और मैं पागल हूँ? मेरी कोई वैल्यू यही है? तो मैं जो बोलूंगी तब गलत ही होगा। पारो आ गई है तो मन छा गई। ऐसा कुछ नहीं है, लग तो ऐसा ही रहा है मुझे कि ऐसा ही। एंड बाय द वे, अभी ना मॉम गलत है, ये मॉम गलत समझ रही है। मैंने उनकी डाडी पोती के लिए कुछ भी नहीं कहा, मैंने उस लक्ष्मी के लिए कहा। मैं तो लक्ष्मी के लिए कह रही, फिर क्यों बुरा लग रहा था सबको? क्यों बुरा तो लगेगा ही ना मलिष्का। तुम्हें प्रॉब्लम्स खुद इनवाइट करने की आदत क्यों है? क्यों खुद ऐसे बिहेव करती हो कि अगर तुम्हारी गलती ना भी हो तो भी तुम्हारी गलती बन जाती है? क्या क्या जरूरत थी, एक मिनट, क्या जरूरत थी पारो के जरिए लक्ष्मी को ये सारी बातें सुनाने की? ये तो तरीका ही गलत हुआ ना। एग्जैक्टली। और तुम पारो को सुना रही हो, वो भी नीलम भाभी के सामने। ऑब्वियसली मलिष्का, अगर तुम सही भी हुई तो लोग तुम्हें गलत ही समझेंगे ना। तो कोई फायदा है ही नहीं ना यहाँ बात करने का, मैं फालतू में अपने टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तुम्हें जो भी करना है, जितना भी सही गलत करना है, कोशिश करके लक्ष्मी के साथ करो। पारो को इन सारी चीजों से दूर रखो, वरना तुम्हारा किया पलटकर तुम पर ही आएगा और हम में से कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। और क्या मलिष्का, इट्स ऑब्वियस ना, जब बात पारो की आती है ना तो भाभी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। और देखो इसके दो कारण है, एक तो पारो भी छोटी सी बच्ची और दूसरा वो उनकी अपनी पोती है, ऋषि की रियल बेटी है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सोच समझ कर करो। थिंक अबाउट इट, ओके?